तो गाइस यार कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो में भाई हम एकदम पूरी डिटेल में रेडस्टोनिंग का भाई लेक्चर शुरू होने वाला है आज से भाई। तो भाई रेडस्टोन के बारे में जो कुछ भी चीजें हैं ठीक है सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लाइक भाई कैसे प्रोफेशनल रेडस्टोनिंग करते हैं उसको जानने के लिए सबसे पहले भाई हमें बेसिक्स समझने पड़ेंगे। तो यार हाँ आज यार एक ये फुल ऑन लेक्चर होने वाला है अभी भाई इसकी लाइक आप कह सकते हो कि हमारा रेडस्टोन कोर्स होने वाला है। तो यार ऐसे ही रिलेटेड यार इससे माइनक्राफ्ट के रिलेटेड इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो आती है ठीक है। आपको पता होगा अगर आप पुराने से पहले से वीडियो देखते हो कि लाइक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ मैं तो अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि मजेदार वीडियो डालूं ठीक है। तो भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बहुत अच्छा चैनल है यार। हाँ तो ऐसी भाई अगर आप गजब की वीडियो देखना चाहते हो तो मोटिवेट करने के लिए भाई कमेंट्स में कोई प्यारा प्यारा कमेंट किया करो। तो चलो यार अभी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेडस्टोन होता क्या है ठीक है होता क्या है ठीक है। तो भाई यार ये हमारा डीप स्लेट और ये हमारा स्टोन का हो रहा है रेडस्टोन स्टोन का हो रहा है ये। तो दूसरी साइड वाला ये हमारा डीप स्लेट है तो ये नई अपडेट में आया था। तो ये भाई डीप डार्क केव्स में मिलता है चीजें। जो यार हमारा स्टोन का हो रहा है भाई वो तो लाइक हमारे केव्स में मिल जाता है बट जो डीप स्लेट वाला हो रहा है वो हमें डीप डार्क केव्स में मिलेगा। यार ये लाइक डायमंड के आसपास ही मिलता होता है जब आप डायमंड माइन करने जाओगे ये भी आपको भाई बर्फ पेट मिलेंगे ठीक है। तो भी यार आपको लाइक इसको आयरन की पिकैक्स से ये हमें मिलेगा। अगर आप आयरन की पिकैक्स से माइन नहीं करोगे तो ये नहीं मिलेगा। तो क्रिएटिव में था तो थोड़ी सी इसके अमीरी दिखानी पड़ती है भाई इसलिए मैंने डायमंड की पिकैक्स ली है। मैंने ओर्स को तो देख लिया इसको हम इन्वेंटरी में रखते हैं। आज की वीडियो में भाई हम सब कुछ रेडस्टोन की जो चीजें होती हैं रेडस्टोन डस्ट रेडस्टोन टॉर्च सबके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे भाई इस लेक्चर में। तो यार जो ये चीज होती है ना जो ये वाली तो जब हम माइन करते हैं रेडस्टोन ओर को तो हमें रेडस्टोन डस्ट मिलती है ठीक है। तो इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है ठीक है अगर आप रेडस्टोनिंग करना चाहते हो तो। लाइक यार ये सिंपल आप कह सकते हो कि ये ना इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हो लाइक हाँ भाई माइनक्राफ्ट की इलेक्ट्रिसिटी है ठीक है। ये भाई इस चीज ने ना बहुत माइनक्राफ्ट को इजी बनाकर रखा है वो मैं बताऊंगा आपको कैसे। तो अभी थोड़ा सा ना रेडस्टोन डस्ट के बारे में भाई जान लेते हैं। तो ये रेडस्टोन टॉर्च को लाइक डस्ट को पावर देने के लिए हमें लाइक सबसे पहले तो मैं आपको लगाकर यहां पर लाइक लैंप वगैरह लगाकर दिखा दूंगा। तो यार सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा लाइक इसको पावर देने के लिए हमें कोई सोर्स चाहिए होगा लाइक जो टॉर्च भी हो सकती है लीवर भी हो सकता है। और जो मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं देखो भाई लाइक सबसे पहले तो मैं ना बहुत दूर तक इसको लेकर जाता हूं ठीक है। तो यहां पर देख लो आप लाइक ये ग्लो कर रहा है ठीक है। तो आप सोच रहे होगे कि इसमें रिपीटर का भी आपको मैं काम समझाऊंगा कि इसमें रिपीटर का काम क्या होता है ठीक है। लाइक सबसे पहले तो हम यहां तक भाई अभी लाइक आपको बहुत दूर तक आपको सिग्नल लेकर जाना है और यार आपका यहां तक सिग्नल आ नहीं रहा आप देख सकते हो ठीक है। एक जगह पर आकर सिग्नल हमारा बंद हो गया तो आप देख पा रहे हो कि जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ना तो ये वाले पॉइंट से भाई एंड तक का आप देखो कि हमारा ना भाई लाइक सिग्नल थोड़ा सा ना इसकी आप लाइट देखो कि इसकी ना थोड़ी सी ये लाइट हो रही है ठीक है। लाइट इसकी थोड़ी सी लाइट हो रही है ठीक है। तो ये देखो भाई पहले तो एकदम पूरी ऑरेंज है भाई फिर जाती जाती यार थोड़ी सी लाइट हो रही है ठीक है। तो अगर आपको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा इसको रेडस्टोन सिग्नल को तो ये तो भाई हमारी वायर होगी लाइक जो हमें सिग्नल ये हमने देख लिया कि रेडस्टोन डस्ट से हमारा सिग्नल जाता है। और यार अगर हमें लाइक 13 ब्लॉक से ज्यादा सिग्नल को प्रोवाइड करना है तो हमें चाहिए होगा ये भाई रेडस्टोन का रिपीटर। हाँ भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेडस्टोनिंग में। तो यार आप देख सकते हो कि मैं ना थोड़े से सात ब्लॉक के बाद लाइक छह ब्लॉक इसके लगा रहा हूँ ठीक है 6 ब्लॉक रेडस्टोन के और भाई सातवें ब्लॉक पर मैं ये रेडस्टोन का रिपीटर लगा रहा हूँ। तो भाई अभी इस लीवर को ऑन कर देखते हैं तो ये देखो भाई साहब ये देखो इतना भाई आप ना लाइक फर्क देखो आप दोनों की लाइट में और ये ग्लो हो रहा है क्योंकि यार इसको थोड़ी सी पावर चाहिए होती है रेडस्टोन लैंप को ग्लो होने के लिए। बट अगर आपको फार्म्स बनाने या लाइक कोई चीज करनी है तो ये सिंपल भाई ये रेडस्टोन का जो रिपीटर होता है ना ये रोल प्ले करता है कि इसको जो हमारी लाइक पावर जा रही है तो उसको भाई एकदम प्रॉपर वे में लेकर जाए आगे। और भाई इससे आप लाइक टिक्स भी सेट कर सकते हो लाइक कब आपको चाहिए कि कब वहां तक पावर पहुंचे लाइक कितने टाइम में हमारी वहां तक पावर पहुंचे तो वो भी आप यहां पर से रेडस्टोन रिपीटर का वो भी काम होता है। और बहुत सारी चीजें होती हैं भाई रेडस्टोन रिपीटर से और वो भी मैं आपको आगे बताता हूं।
मैंने डेमो के तौर पे यहाँ पर ऐसा लगा दिया है, तो यार मैं चाहता हूँ कि लाइक जब मैं वहां पर पहुंचूं तो तब यार ये हमारा गेट बंद हो। तो इसके लिए हमें इसकी चार टिक्स होती हैं, तो सिंपल ये टाइम होता है, ठीक है। लाइक भाई आप देख सकते हो कि यहाँ पर जहाँ जब अपना रेडस्टोन हमारा रिपीटर हमारा जब उससे करंट फ्लो कर रहा है तो वो कितनी स्लो फ्लो करा रहा है, और जो हमारी इसमें कोई डिले नहीं होता, ठीक है। जो हमारी रेडस्टोन ये होती है हमारी डस्ट, इसमें भाई कोई डिले नहीं होता। तो इसीलिए मैं यहाँ पर तीन रिपीटर लगाने वाला हूँ, इनकी टिक भाई फोर पर रखने वाला हूँ। तो आप देखना मेरी टाइमिंग भाई कितनी परफेक्ट, ये देखो भाई हमारा कैसे वो जा रहा है ना। तो यहाँ पर भी अभी मैं तीन रिपीटर लगा रहा हूँ, ये भाई आपको प्रैक्टिस से और मेरे आगे वाली वीडियो से पता चल जाएगा, और भाई प्रोफेशनल कर दूंगा आपको रेडस्टोनिंग में। और ये देखो तब तक जब भाई पहुंच रहा हूं उससे भाई लगभग उसके करीब ही लाइक मेरा ये खुल रहा है, ठीक है। तो अभी यार मैं सोच रहा हूं लाइक भाई ये देखो अभी हमारा भाई कैसे हमारा करंट, आपने देखा ना कैसे फ्लो कर रहा है, लाइक पावर हमारी कैसे फ्लो कर रही है। तो ये मेन पर्पस इसका रिपीटर का यही होता है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको ज्यादा दूर तक रेडस्टोनिंग करनी हो, लाइक ज्यादा भाई हर चीज में ये हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ऐसे भाई हमारी रेडस्टोन डस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे रिपीटर इंपॉर्टेंट है। और इससे भाई एक और चीज बनती है वो मैं आपको बताता हूँ, बट एक एक का भाई मैं अभी एक एक पर टिक रखने वाला हूँ। और अभी देखना भाई मेरे वहां पहुंचने तक लाइक मेरा डोर खुल जाएगा और ये बंद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो भाई आप देख सकते हो इससे कितनी परफेक्ट चीज बन सकती है, अगर आपको भाई बस बेसिक क्लियर होने चाहिए। लाइक आपको बार बार वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी, लाइक अगर हम लाइक कोई फार्म बनाते हैं तो उसमें रेडस्टोनिंग होती है तो भाई पहले ही घबरा जाते हैं। तो इसमें घबराओ मत भाई, मैं फुल एकदम भाई लेकर आऊंगा भाई एकदम पूरे वीडियोस, तो उनको देखते रहना और भाई आप मास्टर कर जाओगे भाई, लाइक मैकेनिकल भाई रेडस्टोन इंजीनियर बन जाओगे आप। यार अगर आप चाहते हो कि मैं किसी बिना किसी सोर्स के लाइक पावर देना चाहता हूँ, लाइक ऑटोमेटिकली वो चलता रहे, तो फिर आपको कुछ ऐसा सा बनाना है, चार रिपीटर ऐसे भाई गोल शेप में रख देनी है, ठीक है। और एक सबसे फिर आपको रेडस्टोन डस्ट लगाकर यहाँ पर एक को पावर दे देनी है, और फिर आपको ये वाली को तोड़कर, अबे यार लगाना था ठीक है, उसको तोड़कर तभी लगाना है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम रेडस्टोन टॉर्च प्लेस करते हैं, इसका भी मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। तो ये देखो हमारे अभी कॉन्टिन्यूस ये हमें हमारी पावर चल रही है, तो ये हमारा भाई आर्चर टावर में ये चीज बहुत काम आती है। लाइक अगर आपको फिर धड़ 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 तीर चलाने हो, लाइक फायर बॉल्स चलानी हो, तो वहां पर ये चीज बहुत काम करती है। तो ये देख लो एक लाइक भाई ये थोड़ा सा टाइम में आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, ये हमारा तो ये है हमारा इसमें पावर है। तो लाइक ये अगर आप इसमें लीवर लगा दोगे तो ये बंद नहीं होगा। तो अगर आपको चाहिए कि मैं इसको बंद ऑन कर सकूं तो वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वो चीज कैसे बनती होती है। तो अभी भाई हम देख लेते हैं लाइक रेडस्टोन टॉर्च को। तो यार उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हमारे रेडस्टोन के ब्लॉक की, ये भाई बहुत सिंपल है ठीक है। तो ये हमारा रेडस्टोन की डस्ट से बनता है ये ब्लॉक प्रॉपर पूरे का पूरा। लाइक भाई अगर आपको ना लाइक ऐसे अगर आपको इसको लाइक इग्नाइट लाइक किसी चीज को पावर देनी है ठीक है, तो ये रेडस्टोन का ब्लॉक भी भाई बहुत लाइक अच्छा सोर्स है। बट ये उतना भाई आपके हिसाब से भाई आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि लाइक कितना जरूरी होती हैं चीजें। तो लाइक अगर आप इसके साइड पर लगाओगे ब्लॉक एक ब्लॉक दूर तो इसको पावर नहीं मिलेगी, आपको इसको अटैच करके रखना पड़ेगा। लाइक अगर आपको पावर देनी है किसी चीज को, लाइक TNT वगैरह फोड़ने आप उस लाइक इसमें लगा सकते हो, बट उसका नुकसान ये है कि आपके ये चीज भी वो फोड़ देगा। अगर आपको लाइक अपने आप से रेडस्टोन बनाना है, रेडस्टोन का कोई ब्लॉक बनाना है, तो यार आपको सिंपल एक चीज करनी है, सिंपल आपको एक रेडस्टोन लेनी है ठीक है। लाइक एक आपको चाहिए होगी भाई, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना लेता हूँ ताकि यार आपको मैं समझा पाऊँ। तो अगर आपके पास भाई इतनी रेडस्टोन की डस्ट नहीं है तो फिर आपको क्या करना है कि एक ब्लॉक पर ऐसे लगाकर लीवर लगाकर उसको ऑन कर देना ठीक है। तो उसके साइड पर अगर भाई आपको कोई भी चीज लगाओगे ना तो आप देख पा रहे होगे कि वो ना वो भी भाई रेडस्टोन का एक तरह से ब्लॉक बन जाता है। आप ट्राई कर कर देखना भाई, तो वो एक तरह से भाई रेडस्टोन का ब्लॉक बन जाता है ठीक है। तो अगर आप लीवर लगाओगे तो वो भी एक रेडस्टोन का ब्लॉक ही भाई कंसीडर कंसीडर क्या भाई वो बन जाता है रेडस्टोन का ब्लॉक अपने आप ही। तो अभी मैं आपको फंडा समझाने वाला हूँ टॉर्च का। तो बटन का ये होता है कि अगर आप इसको प्रेस करोगे तो जब तक ये ऊपर आएगा, लाइक जब ये ऊपर आएगा तब हमारी लाइक जो हमारी पावर होगी तो वो वापस आ जाएगी।
तो लीवर का आपने देख ही लिया। तो अगर हम इसको ऑन करके रखेंगे तो पावर फ्लो होती रहेगी 13 ब्लॉक्स तक, या उससे भाई ज़्यादा कम हो सकती है। तो अगर इसको बंद कर देंगे तो पावर बंद हो जाएगी, ठीक है। तो रेडस्टोन टॉर्च का भी भाई सेम ही फंडा है, लाइक ये हमें पावर देने के लिए काम आती है और भाई अलग अलग चीजें बनाने के काम आती है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है भाई रेडस्टोनिंग, लाइक जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे इसमें आगे, तो ये और भाई लाइक मजेदार भी चीज है अगर आपको ये समझ आ गई, ठीक है। लाइक और भाई इंटरेस्टिंग होती जाती है, ठीक है। लाइक आप ये नहीं कह सकते सिर्फ कि रेडस्टोन टॉर्च का एक ही काम है, बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं, वो भाई आगे की वीडियो में लाइक मैं आपको बता रहा हूँ कि समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लाइक ये कंटिन्यूस हमें पावर इसको देती रहेगी, लाइक जैसे हम पावर ड्रिल्स में लगाते होते हैं भाई, रेडस्टोन की टॉर्च लगा दो या लीवर लगा दो तो उसको ऑन कर दो, तो ये वो पावर उसको दे देगी। यार अभी हम बनाने वाले हैं रेडस्टोन का क्लॉक, जो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं एंड में बनाऊंगा। सबसे पहले तो जैसे हम गोलम को स्पॉन करते होते हैं तो वैसे हमको थोड़ी सी ऐसी शेप बना ली है और इसके बीच वाला ब्लॉक तोड़ देना, तो इस साइड आपको लीवर लगा देना है। तो जो भाई लीवर वाली साइड ऑपोजिट साइड होगी, यहां पर रेडस्टोन लगेगी, लीवर के नीचे यहां पर भाई ये वाले ब्लॉक पर हमारी रेडस्टोन की टॉर्च लगेगी। जो हमने भाई ब्लॉक तोड़ा था तो वहां पर आपको जंप कर उस वाली साइड को फेस करते हुए ना, तो वहां पर आपको रिपीटर लगा देना है। तो ये देख पा रहे होगे कि लाइक ये हमारा ना कॉन्टिन्यूसली हमारा ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। और अगर आप लीवर को बंद करोगे तो ये भाई लाइक एंड हो जाएगा, लाइक बंद हो जाएगा आपके कहने पर, और अगर आप लीवर को ऑन कर दोगे तो ये ऑन हो जाएगा। अभी मैं लीवर को ऑन कर देता हूं, तो ये देखो मेरे लाइक लीवर को खींचते हुए ये ऑन भी हो गया, और जब मैं लीवर को बंद कर रहा हूँ तो ये बंद हो जाता है। तो यार ये हमारे कुछ बेसिक्स थे, और अभी जो रेडस्टोन कंपैरेटर है तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यार लाइक ट्यूटोरियल वाली वीडियो इतनी लंबी, पता नहीं यार मेरे से कैसी होगी। रेडस्टोनिंग भाई टॉपिक ही कुछ ऐसा है, ठीक है। लाइक बहुत बंदे भाई घबरा जाते हैं रेडस्टोन के नाम से। पहले भाई मुझे भी भाई लाइक जो मैं बनाता होता था, मुझे भाई दो चीजें पता होती थी भाई, लाइक अगर किसी चीज को पावर देनी है तो रेडस्टोन का ब्लॉक लगा दो, और भाई अगर आपको ऐसे इसको ऐसे करवाना है लाइक बंद चालू, तो मुझे रेडस्टोन क्लॉक के बारे में नहीं पता होता था भाई। मैं ऑब्जर्वर्स को ना उसके फेस जोड़ देता और उससे भाई पावर दिलाता था ना, भाई मैं रेडस्टोन रिपीटर्स का यूज करता था। तो पहले पहले होता, अगर आपको ये समझ में आ गई ना तो बहुत ही मजेदार चीज है ये। जो हमारा एंड वाला मैंने आपको क्लॉक बनाया है ना रेडस्टोन क्लॉक, उसकी आप लाइक रिपीटर की टिक को भी फिक्स कर सकते हो, लाइक 3-4 कितनी आपको चाहिए, ठीक है। तो यार ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी होगी। यार आपको कैसी लगी वीडियो वो मुझे कमेंट्स में बता देना, और प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना, और भाई मुझे बता देना कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, और अगर नहीं लगी तो मुझे बताना कि क्यों नहीं लगी, ठीक है। तो हम मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। तो हम मिलते हैं एक और अगली नई मजेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।